दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे 10,000 में एक नया स्मार्टफोन लेना है, मैं कौन सा खरीदूं। मुझे 15,000 में एक नया स्मार्टफोन लेना है, मैं कौन सा खरीदूं। मुझे 20,000 में एक नया स्मार्टफोन लेना है, मैं कौन सा खरीदूं। तो आज के इस वीडियो में से बात करने वाला हूं हर एक प्राइस पॉइंट पर एक काफी अच्छे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि यहां पर 10 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में है। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। आजकल यहां पर एमोलेड डिस्प्ले काफी हद तक चल रही है और जो लोग भी यहां पर एक स्मार्टफोन को भी मतलब खरीदना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि अगर बजट 12,000 रुपए है तो भी लोग यहां पर सोच रहे हैं कि मुझे एक एमोलेड डिस्प्ले वाला ही स्मार्टफोन लेना है। तो ऐसे में अगर आपका जो बजट है वो कुछ 12,000 रुपए है, तो 12,000 रुपए में भी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है मोटो G31। और ये जो स्मार्टफोन है वो एक 4G स्मार्टफोन है। प्रोसेसर काफी अच्छा है इस स्मार्टफोन का, हीलियो G85 का प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस स्मार्टफोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है। तो ये जो स्मार्टफोन है मोटो G31 वो काफी अच्छा स्मार्टफोन है अपने 12,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर, तो आप इसे स्मार्टफोन साथ में जा सकते हैं। इसके साथ में इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि लगभग इसी प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। तो इस स्मार्टफोन के साथ में भी आप जा सकते हैं। यहां पर जो डिस्प्ले है और जो प्रोसेसर वगैरह है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर आपका जो बजट है वो कुछ यहां पर 14-15,000 रुपए के करीब है और आप की अलग अलग प्रायोरिटी है, जैसे कि आपको एक काफी पावरफुल प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ चाहिए, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं है, कैमरा वगैरह एवरेज रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे में आईकू ने अपना एक नया स्मार्टफोन कल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईकू Z6 5G। ये स्मार्टफोन इकलौता स्मार्टफोन है जो कि अभी फिलहाल 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है विद कार्ड। कार्ड का ऑफर आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और यहां पर सबसे हाईलाइटिंग फीचर है इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर, जो कि दिया गया है Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर। तो स्मार्टफोन काफी बेस्ट है, आप इसे स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस यहां पर काफी बेटर देखने को मिल जाएगी, अच्छा है। इसके साथ में मान लेते हैं आपका जो बजट है वो कुछ 17-18,000 रुपए का है, तो 17-18,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर जो बेस्ट स्मार्टफोन है इस टाइम पे वो है Realme 9 Pro 5G। इस स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर दिया गया है और इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग काफी अच्छी है। यहां पर आपको चार्जिंग स्पीड जो है वो काफी फास्ट देखने को मिल जाती है। हाई रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड नहीं है, IPS डिस्प्ले पैनल ही यहां पर प्रोवाइड किया गया। तो ये स्मार्टफोन 18,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अभी कार्ड वगैरह लगा करके इस स्मार्टफोन को काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। तो ये भी जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छा लगा मुझे, आप इस स्मार्टफोन को भी देख सकते हैं। इसके साथ में मान लेते हैं कि आपको Realme 9 Pro 5G नहीं पसंद है, आपको एक 4G स्मार्टफोन लेना है और आपकी जो प्रायोरिटी है वो AMOLED है, 4G के साथ में भी आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे में आपके लिए Redmi Note 11 Pro 4G जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में अवेलेबल है 18,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर ही। ये स्मार्टफोन भी है Helio G96 का प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्यूचर को देखते हुए थोड़ा सा ये जो स्मार्टफोन है वो आप कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग है। यहां पर आपको 5G का जो सपोर्ट है वो नहीं देखने को मिलता है, बाकी डिजाइनिंग डिस्प्ले काफी अच्छी दी गई है, AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, हाई रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले दी गई है, उसके साथ में कैमरा वगैरह भी इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में भी जा सकते हैं अगर आपको 4G लेना है। इसके साथ में बात करें अब यहां पर 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट के बारे में, तो 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर मुझे दो स्मार्टफोन काफी अच्छे लगे हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन, अगर आपको गेमिंग करनी है, काफी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे प्रोसेसर से मतलब है, मुझे वो बाकी चीजें रहे ना रहे मुझे मतलब नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको गेमिंग करनी है तो गेमिंग करने के लिए मुझे एक इकलौता स्मार्टफोन काफी परफेक्ट लगा है इस प्राइस पॉइंट पर, 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर, जो कि है फिलहाल यहां पर Poco X3 Pro। अब Poco X4 Pro 5G स्मार्टफोन आ रहा है इंडिया में, लेकिन Poco X4 Pro स्मार्टफोन के आने से भी जो Poco X3 Pro स्मार्टफोन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि Poco X4 Pro जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेडेड ही है Poco X3 Pro से, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेसर है वो काफी दमदार दिया गया है। यहां पर आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 860 का प्रोसेसर, जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में ऐसा नहीं कि ये स्मार्टफोन सिर्फ प्रोसेसर के ही मामले में अच्छा है, और भी चीजें काफी अच्छी दी गई है, डिजाइनिंग काफी अच्छी है, सेंटर है। उसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह का सपोर्ट है। तो आपको अगर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी चाहिए, फास्ट आपका स्मार्टफोन काफी चलना चाहिए, तो ऐसे में Poco X3 Pro स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। परफॉर्मेंस को ही देखते हुए मैंने एक और स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जो कि हाल ही में अभी Realme की तरफ से लॉन्च हुआ है, 20,000 रुपए की ही प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है। इसका नाम है Realme 9 5G SE। इस स्मार्टफोन में भी आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778 का 5G प्रोसेसर, जो कि काफी
काफ़ी अच्छा है, तो परफॉर्मेंस भी अगर आपको काफ़ी अच्छी चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये हैं कुछ स्मार्टफोन जो कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पर अपने अलग अलग स्पेशल फीचर्स के साथ में अवेलेबल हैं। अब मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर कर दी, अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए अपने स्मार्टफोन में, उसके हिसाब से आप एक बेस्ट स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यही था कुछ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।